हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर अपने सुर नरम जरूर किए हैं, लेकिन जमीन पर इसे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी से पेंगोंग सो झील तक चार जगहों पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। सीमा पर तनाव में कोई कमी नहीं दिख रही है, वहीं दोनों ही सेनाएं अपनी जगह से हिली नहीं है, ना ही उनकी संख्या में कोई कमी आई है। अभी यह कहना संभव नहीं है कि यह टकराव कब और कैसे खत्म होगा। एक दिन पहले यानी बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अब सीमा पर ज्यादा विवाद नहीं है। मंत्रालय की ओर से जोर देकर कहा गया था कि LAC पर स्थित और नियंत्रण में आ सकती है, साथ ही दोनों देश विभिन्न स्तरों पर संपर्क में है, लेकिन चीनी पक्ष का यह मैत्रीपूर्ण रुख जमीन पर उतरता ही नहीं दिख रहा है। टकराव वाले तीन स्थान गलवान घाटी में है और चौथा पेंगोंग झील के पास है। चीन अपने सैनिकों को यहां बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में बाधा डालने के मकसद से लाया है। चीन विशेषकर गलवान नाले पर 60 मीटर लंबे पुल और पेंगोंग झील के पास एक निगरानी पोस्ट का निर्माण रोकना चाहता है, जो भारत की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय सेना ने टकराव वाले चारों स्थानों पर सैनिकों की संख्या बढ़ाते हुए निर्माण कार्य जारी रखा है। दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए 255 किलोमीटर रोड के हिस्से के रूप में गलवान पुल का निर्माण कर रहा है। अपने क्षेत्र में सड़क, पुल या हवाई पट्टी बनाने के भारत के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम जारी रहेगा और इसे रोका नहीं जाएगा, यह भारत का कहना है। पिछले सप्ताह PM मोदी ने LAC पर इस जांच समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश मंत्री S. जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज यानी कि जनरल बिपिन रावत विभिन्न स्तरों पर भारतीय प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं। इनके रडार पर पश्चिमी सीमा भी है, जहाँ से रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की POK के गिलगित बाल्टिस्तान मैं सेना की गतिविधि बढ़ाई है। भारतीय सेना ने यहां चीनी सैनिकों की संख्या और संसाधन के बराबर तागात लगाई है। भारत लंबे समय तक खिंच सकने वाली तनातनी के लिए तैयार है। सैनिकों का एक अन्य दल तैयार है, जो तनातनी वाले स्थानों पर मौजूद सैनिकों को बीच में ब्रेक देने के लिए रिप्लेस करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी तरफ चीन ने भी आस्काई चीन इलाके में रक्षा पंक्ति को मजबूत किया है। इससे अपने नागरिक और रक्षा इस्तेमाल वाले एयरफील्ड नगरी गुंसा को अपग्रेड किया है। यह LAC से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ चीनी वायुसेना J-11 जेट्स उड़ाए जाते हैं, जिन्हें रूसी सुखोई 27 का चाइनीज वर्जन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि चीन क्या सातिरखोरी कर रहा है, अपने कमेंट्स में नीचे लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।